जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घरों में सुख संपत्ति और धन धान से भरपूर करें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए, आज नवरात्र का पहला दिन, और देखिए मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। लेकिन आगे आप लोगों को सस्पेंस क्या है पता चलेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्र का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो पूजा पाठ वाले ब्लॉग होते हैं ना, बहुत ही टाइम से आ जाते हैं, लेकिन ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और शायद बहुत सारे लोग मेरी नवरात्र की पूजा का ब्लॉग का वेट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है ना, जिनकी वजह से फिर ऐसा मतलब सब बस लेट लतीफ हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी है। तो देखिए, यहाँ पर ना आज पहला दिन है, तो सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले सारे काम फटाफट से किए मैंने और नहा धोकर आ गई हूँ। आज ना बिल्कुल टाइम से ही सारे काम मुझे करने थे कि बस मुझे जल्दी से जल्दी पूजा करनी, क्योंकि पहला दिन जो होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पूजा में हर चीज़ व्यवस्थित करो और कलश स्थापना करो, सब कुछ करो, तो पहले दिन वाली पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि माता रानी का भी स्नान कराओ, रुद्राभिषेक अभिषेक कराओ, सब कुछ कराओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चौकी लगाई हुई है मैया के लिए अलग, बड़े खुशी खुशी से मैंने सारे काम किए हुए हैं। मैया का बड़ा अच्छा दरबार भी सजाया मैंने, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा मैं सोच रही थी मैंने वैसा ही सब कुछ कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चौकी भी बड़ी प्यारी लग रही है माता की, मैंने चौकी के पीछे ये स्वास्तिक बना हुआ, मेरे पास भी ना बहुत ही अच्छा कपड़ा था वो मैंने लगा दिया है, तो बड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर तैयारियाँ देख लीजिए, फूल भी मैंने मंगा लिए हैं, दो तरीके के फल हैं जो मैंने पानी में भिगो दिए थे एक दिन पहले ही, और उस पे ना अंकुरित भी होने लगे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस केवल अब मुझे मेन पूजा का कार्यक्रम शुरू करना है। लड्डू गोपाल सो के जगा दिए हैं, इनकी भी इनको स्नान वगैरह कराने हैं, सारे देवी देवताओं को स्नान कराने हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं जिनको स्नान करा सकते हैं। और ये देखिए बजरंगबली जी, क्योंकि नवरात्र के एक दिन पहले जब गए थे ना माता मैया को लेने, तो मैंने ना फिर यहाँ वहीं से ये बजरंगबली जी की भी मूर्ति ली हुई थी, क्योंकि मैया का जब मैया अपने भवन पे चली गई थी ना, तो वहाँ पर बजरंगबली ही पैरा के लिए बैठे थे, तो इसीलिए मैं बजरंगबली को लेके आई हूँ। मेरे पास में ना बजरंगबली की मूर्ति तो है, फोटो तो है, पर मूर्ति नहीं है, तो मैं उनकी मूर्ति लेके आई थी। और देखिए माता का रानी हार कितना सुंदर लग रहा है, इस बार उनके लिए ग्रीन कलर के वस्त्र लेके आई हूँ, और ये चूनर भी बड़ी प्यारी लग रही है। तो आज ना मैया का थोड़ा सा मॉडलर मैंने वो किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। माता इतनी सुंदर लग रही हैं, और सब कुछ मैंने जैसा चाहा था वैसा किया। और इस बार तो मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की थी मैया के लिए, एक से एक बढ़कर हार लिए थे, और सोच रही थी कि डेली श्रृंगार करूँगी, हर रोज़ चेंज कर करके और ड्रेसअप के अकॉर्डिंग। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कुछ ज़्यादा सोचिए और उसको कीजिए तो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती, वही मेरे साथ में हो गया। चलिए मैया को आपको पूरा दिखा देती हूँ, कितनी सुंदर लग रही है माता। और ये देखिए, मैंने अपनी माता की मेरी माता की ना आँखें लगी हुई नहीं थी मूर्ति में, तो मैंने यहाँ पे इनके आज ही स्नान कराने के बाद में माता की आँखें भी लगाई हैं मैंने। और ये रहे बजरंग बली जी, मैया की जो पहरेदारी करते हैं ना बजरंग बली जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा दरबार आज का माता का। और ये रहे हमारे शिव परिवार, जो कि बड़ा सुंदर लग रहा है, मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया। लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि मैं पूजा ही नहीं कर पाई, मेरी पूजा वहीं की वहीं रह गई। और ये पहली बार ऐसा हुआ जहाँ मैंने जो कुछ भी सोचा सब कुछ किया, और लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरी माता रानी ने पूजा ही नहीं स्वीकार की। शायद माता रानी की यही मर्ज़ी हो, क्योंकि अब ऊपर वाले के आगे हमारा कोई जोर नहीं होता है। मैंने सब तैयारियाँ लगा दी थी, बस फाइनली मैं कलश भी मैंने स्थापित कर लिया था, जवारे बोने जा रही थी, और बस उसके बाद फिर पूजा पाठ भी नहीं हो पाया घर में। तो देखिए कितने, मतलब मैंने चावल रंगे थे और अष्टकमल जो था ना वो भी बना रही थी, बड़े खुशी खुशी से सारे काम कर रही थी। और आज ना मन में इतनी मेरे संतुष्टि थी कि मैंने जैसा चाहा वैसा सब कर लिया। मैया का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हो गया, मैया के पहरेदारी के लिए हमारे बजरंग बली भी आ गए, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा था, और बड़ा प्यारा भी लग रहा था देखने में सब कुछ।
बड़े खुशी खुशी से सब कुछ कर रही हूँ मैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे जब माता की मर्जी होगी तब वो मेरी पूजा स्वीकार करेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तैयारियाँ तो सब लगा दी थी और फिर उसके बाद में आगे की जो पूजा थी तो फिर जैसी भी हुई है इन्होंने ही की हुई है। और यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, जो कलश मुझे स्थापित करना है उसमें भी स्वास्तिक बनाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद स्थापित करूंगी। जिसमें जवारे बोने थे उसमें भी पहले स्वास्तिक बनाऊंगी। मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ ना तो स्वास्तिक जरूर बनाती हूँ, मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। देखिए स्वास्तिक किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं जो लोग ना प्लस के सिंबल में स्वास्तिक बनाते हैं वो बहुत गलत होता है, मतलब लाइनें आर पार कर देते हैं तो वो बहुत गलत होता है। सिर्फ एक सीधी लाइन खींची जाती है, फिर 20 से लाइनों को काटा नहीं जाता है जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। और मैंने जिसमें जवारे बोने थे उसमें भी स्वास्तिक बना दिया है और कलश में भी बना दूंगी। उसके बाद में नारियल जो कि मुझे कलश के ऊपर रखना है उसमें जो अखंड जोत जलानी थी उस पर भी स्वास्तिक बना दूंगी मैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरा ना बस चले ना तो मैं डेली ही ऐसी ही पूजा पाठ किया करूँ, लेकिन ना हो नहीं पाता है इतना डेली में, क्योंकि रोज़ 1 घंटे की पूजा अगर करूँगी तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारे भगवान जो होते हैं ना हमारे मन के भाव को देखते हैं, तो हमारे जो मन के भाव सच्चे होते हैं ना तो वो उन्हीं को स्वीकार करते हैं, 1 घंटे की पूजा वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब तैयारियाँ हो रही हैं और आज ना मेरे बजरंग बली को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बड़ा प्यारा दरबार लग रहा है, इनके आने मात्र से इतना सुंदर दरबार लग रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, हवन के लिए हवन सामग्री भी मंगा ली थी मैंने, सब कुछ कर लिया था। एक दिन पहले से ही मैं लगी थी सारी तैयारियां करने में। और जब ये मैं कलश में जल डालूंगी ना तो उसमें हल्दी की गांठ, कौड़ी, इलायची, लौंग, सिक्का, मतलब सिक्का जो होता है ना रुपए वाला वो, और बताशे, सब कुछ इसमें मैं जल में पहले कलश में डालूंगी, उसके बाद जल से भरूंगी। और इसी तरह से मैं सभी में करूंगी और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ये सब करते हुए। आप लोगों की नवरात्र की पूजा पाठ कैसी रही ज़रूर बताइएगा। और आज बहुत ज़्यादा लेट मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर नारियल में ये लाल कपड़ा, इसको टून बोलते हैं ना, टून बोलते हैं शायद, इसको भी मैंने इस तरह से कलावे से बांध दिया है। कलावे से ही पूजा पाठ का जो भी काम होता है कलावे से ही किया जाता है, तो मैंने कर दिया है। और आप लोग इंजॉय कीजिए हमारी नवरात्र के स्पेशल ब्लॉग को। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं। आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अगर सीख मिलती हो तो ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है देखकर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मुझसे, हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मुझसे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने को मिले। और मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना सराहते हैं मेरे काम को और आप लोगों को खुशी होती है, आप लोगों की खुशी देखकर मुझे भी खुशी होती है। अगर मैं एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाती हूँ ना तो लोगों के मैसेज आने लगते हैं मेरे पास में। चलिए आगे की पूजा तो इन्होंने की हुई है, फिलहाल मेरा दरबार सज गया, मैया स्थापित हो गई, मैया की चौकी लग गई, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए दरबार मैंने ना एक दिन पहले ही मंदिर वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया था, पूरे मंदिर में मैंने रेड कलर का ये वाला कपड़ा इस तरह से आसन लगा दिया था जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैया का दरबार भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।